चलिए बढ़ते आगे, जहां हरियाणा जनसेवक पार्टी के संयोजक और उम्मीदवार बलराज कुंडू का प्रचार प्रसार लगातार जारी है। दरअसल बलराज कुंडू एक बार फिर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बलराज कुंडू ने आरोप भी लगाया है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उनके समर्थकों को धमकाने का काम कर रहे हैं। जनता की ये भारी भीड़ हरियाणा जनसेवक पार्टी के संयोजक और उम्मीदवार बलराज कुंडू के समर्थन में है। भैणी महाराजपुर गाँव में बलराज कुंडू ने अपने समर्थकों के साथ जोरदार रैली की। इस मौके पर बलराज कुंडू ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बलराज कुंडू ने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जनता ने उन्हें जिताने का पूरी तरह से मन बना लिया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चारों तरफ जिस प्रकार का समर्थन और आशीर्वाद आपके बेटे को मिल रहा है, उसको रातों की नींद उड़ गई है। आनंद सिंह डांगी और उसके बेटे उस संस्कारी बलराम की औरतों को लाइन में है नहीं, वह थोड़ी मेरी मामी बकाई अंडा किया नगामा बकारी है, कैंची लेकर कान काटती अंडा है, उनने समझा दियो ही बोल कुछ नहीं रह रहा है। बलराज जी कुंडू ने कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गांव में उनके समर्थकों को धमकाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं हार का डर अब कांग्रेस को सताने लगा है। यही कारण है कि जो लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं उन्हें कांग्रेस नेता धमकाने में जुटे हैं। ये संदीप हमारा भाई बंटी, बंटी के पास भैरो गांव का सरपंच है, डांगी साहब का चेला शिवराज, उसने जाकर इसको धमकाया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई है, गांव में रहना नहीं है क्या, मुझे पता है तू पैसे के लेके आया है, इसके ऊपर तरह तरह के ब्लेम लगाकर इतनी देर में अपनी टीम को पता लगा और वो सारे भाग के और उस चौपाल में पहुंचे और उनको देखकर वो सरपंच वहां से भाग गया। यानी एक गरीब के बेटे को धमकाने की हिम्मत होगी उसकी। रैली में मौजूद समर्थकों ने कहा कि पिछले 5 सालों में महम के अंदर बलराज कुंडू ने बहुत काम कराए और सबसे ज्यादा छात्राओं के लिए कराए काम की सराहना हर कोई करता है। लोगों का कहना था कि बलराज कुंडू ने गरीब लोगों की भी काफी मदद की। देखो जी, बलराज कुंडू की जीत तो निश्चित है और इन्होंने पार्टी का नाम रखा है हरियाणा जनसेवक पार्टी। जैसा नाम है वैसा ही काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी पता है। एक तो महम हल्का ऐसा हल्का है जिसमें बहनों की एजुकेशन टॉप में है पूरा हरियाणा में, उस एजुकेशन का श्रेय बलराज कुंडू को जाता है। एक तरफा लहर है विधायक साहब की, कोई टक्कर में नहीं है, एक तरफा जीत है इनकी। क्यों है ऐसा, क्यों लगता है? क्योंकि सामाजिक आदमी है जी, सामाजिक कार्य करवा रखे हैं और सब ने पता है सामाजिक कार्य जो करेगा वही आगे विधायक चुना जाएगा और दोबारा से फिर बहुत ज़्यादा मतों से विधायक जीतेंगे कुंडू साहब और दोबारा से बहुत ज़्यादा वोट दे रहा समर्थन है और कार्य भी करे हैं बहुत ज़्यादा। बहरहाल देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि महम की जनता इस बार किसका साथ देती है। महम से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।